दोस्तों, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है और वहीं पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की। दोस्तों, हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये भी म्यूटुअलिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। ठीक इसी तरीके मजेदार एग्जांपल के साथ और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मैं शुभम आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पेथो ट्यूटोरियल में। होस्ट और पैरासाइट के बारे में समझने के लिए और पैरासाइटोलॉजी पार्ट वन के वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ होस्ट और रिलेशन बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट के बारे में। तो बात करते हैं टाइप ऑफ होस्ट की। दोस्तों, होस्ट निम्न प्रकार के होते हैं। डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, पैराटेनिक होस्ट और रिजर्वायर होस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेटिव होस्ट की। डेफिनेटिव होस्ट, द होस्ट इन विच द एडल्ट पैरासाइट लिव्स एंड अंडरगोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द डेफिनेटिव होस्ट। दोस्तों, जब कोई पैरासाइट अपने किसी होस्ट में रहते हुए एडल्ट हो जाता है और उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है जिससे वो पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगता है तो उस होस्ट को डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। दोस्तों, इसका एग्जांपल मैं आपको अगले होस्ट के साथ बताऊंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट होस्ट की। इंटरमीडिएट होस्ट, द होस्ट इन विच द लार्वल स्टेज ऑफ पैरासाइट्स लिव्स और असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट होस्ट। मतलब जब किसी पैरासाइट का लार्वा किसी होस्ट के अंदर ग्रो करता है और उसी होस्ट के अंदर अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए खुद को मल्टीप्लाई करता है या फिर अपनी जनसंख्या बढ़ाता है तो उस होस्ट को हम इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। दोस्तों, इन दोनों होस्ट को समझने के लिए हम टीने सोलम का एग्जांपल लेंगे जो कि एक टेपबॉम है। जब कोई पिग या सुअर टेपबॉम के अंडों को खाता है या इंजेस्ट करता है तो इन टेपबॉम के अंडे पिग के इंटेस्टाइन में जाकर टूट जाते हैं जिनमें से लार्वा निकलते हैं और ये लार्वा पिग के इंटेस्टाइन के जरिए उसकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और जब इस पिग के अधपके या कच्चे मांस को कोई मानव या ह्यूमन बीइंग खाता है तो ये लार्वा उसके पेट में चले जाते हैं और वहां ये लार्वा ग्रो करते हैं और एडल्ट हो जाते हैं। फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए एक प्रोड्यूस करते हैं और यही एक मानव के स्टूल के जरिए बाहर आते हैं जिन्हें पिग इंजेस्ट करता है या खाता है और वापस से यही प्रोसेस चालू हो जाती है। तो दोस्तों, इस एग्जांपल में मानव डेफिनेटिव होस्ट है और पिग इंटरमीडिएट होस्ट है। दोस्तों, अब बात करते हैं पैराटेनिक होस्ट की। पैराटेनिक होस्ट, इन दिस होस्ट द पैरासाइट रिमेन्स वायबल विदाउट डेवलपमेंट इज कॉल्ड पैराटेनिक होस्ट। सच होस्ट ट्रांसमिट्स द इन्फेक्शन टू अनदर होस्ट। एग्जांपल, फिश फॉर प्लूरोसर्कोइड लार्वा ऑफ डिलेटम। दोस्तों, जब किसी पैरासाइट का लार्वा या पैरासाइट
अपनी लाइफ साइकिल के दौरान किसी होस्ट में बगैर किसी डेवलपमेंट और बगैर किसी ग्रोथ के रहता है, तो उस होस्ट को हम पैराटेनिक होस्ट कहते हैं। और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये पैरासाइट पैराटोनिक होस्ट के माध्यम से दूसरे होस्ट में पहुंचकर उसे इन्फेक्शन पहुंचाता है या संक्रमित करता है। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, एक टेपवर्म है जिसका नाम है डिप्लोबोथ्रियम लेटम, इसे शॉर्ट में डी लेटम कहते हैं। यह एक पैरासाइट है। इस टेपवर्म के अंडों में से जो लार्वा निकलते हैं उन्हें हम प्लूरोसर्कोइड लार्वा कहते हैं। ये लार्वा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मछली यानी कि फिश के अंदर बगैर किसी डेवलपमेंट और बगैर किसी ग्रोथ के रहते हैं। इन मछलियों को हम पैराटोनिक होस्ट कहेंगे, यानी कि ये फिश ही प्लूरोसर्कोइड लार्वा के लिए पैराटोनिक होस्ट का उदाहरण है। और जब इन मछलियों को या फिश को कोई मानव इंजेस्ट करता है या फिर खाता है, तो इन फिशेस में मौजूद लार्वा उस व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देते हैं या संक्रमित कर देते हैं, जिससे वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित किसी भी नोट्स के लिए, साथ ही साथ पैरामेडिकल से संबंधित किसी भी नोट्स को पढ़ने के लिए और डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट को जरूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम रिजर्वायर होस्ट की। रिजर्वायर होस्ट, द होस्ट विच मेक पैरासाइट अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन टू अदर होस्ट, मतलब ऐसा होस्ट जो किसी पैरासाइट यानी कि बैक्टीरिया, वायरस आदि से संक्रमित हो या इन्फेक्टेड हो और उस होस्ट के जरिए बाकी जीवों में भी इन्फेक्शन फैल रहा हो, तो ऐसे होस्ट को हम रिजर्वायर होस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉग एंड पिग आर द रिजर्वायर होस्ट ऑफ हाइड्रेटेड डिसीज और एड्स पेशेंट इज रिजर्वायर होस्ट फॉर HIV, यानी कि जो हाइड्रेटेड डिसीज होती हैं उनके लिए डॉग और पिग रिजर्वायर होस्ट होते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को एड्स है तो वो HIV वायरस का रिजर्वायर होस्ट कहलाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ पैरासाइट एंड होस्ट की। एसोसिएशन ऑफ पैरासाइट एंड होस्ट, मतलब पैरासाइट और होस्ट के बीच में संबंध या रिलेशन। दोस्तों, पैरासाइट और होस्ट के बीच में कई प्रकार के एसोसिएशन पाए जाते हैं, जिनमें पहला है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस इज डिफाइंड एज द परमानेंट एसोसिएशन बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट, वेयर बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ रहने वाले होस्ट और पैरासाइट के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव यानी कि होस्ट और पैरासाइट अपना अपना जीवन जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हिंदी में सिम्बायोसिस का अर्थ होता है सहजीविता, यानी साथ साथ जीवन यापन करना। दोस्तों, सिम्बायोसिस दो तरह के होते हैं, पहला म्यूचुअलिज्म और दूसरा कॉमन सेलिज्म। अब बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म, इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट, वेयर होस्ट एंड पैरासाइट बोथ आर बेनिफिटेड। दोस्तों, यह म्यूचुअलिज्म का अर्थ है
कि पैरासाइट और होस्ट के बीच ऐसा संबंध जिसमें होस्ट और पैरासाइट साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, यानी कि होस्ट पैरासाइट को फायदा पहुंचाता है और पैरासाइट होस्ट को फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, म्यूचुअलिज्म को हिंदी में हम सहोपकारिता कहते हैं, जिसका अर्थ साथ साथ रहते हुए एक दूसरे पर उपकार करना होता है। दोस्तों, इसका एग्जांपल है पोलिनेशन। दोस्तों, हनीबी यानी कि मधुमक्खी और पेड़ पौधों के बीच होने वाला पोलिनेशन म्यूचुअलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें मधुमक्खी अपना शहद बनाने के लिए फूलों से रस लेती है और बदले में फूलों के पोलन ग्रेन यानी कि पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल पर पहुंचाकर परागण यानी कि पोलिनेशन में मदद करती है। इस तरह इस प्रोसेस में दोनों जीवों को फायदा होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कॉमन चैलेंज की। कॉमन चैलेंज इन दिस रिलेशन ओनली पैरासाइट इज बेनिफिटेड एंड होस्ट गेट्स नथिंग। दोस्तों, कॉमन चैलेंज ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें केवल पैरासाइट को ही फायदा होता है और होस्ट को ना तो कोई फायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। यहाँ हम कॉमन चैलेंज को समझने के लिए शार्क और रेमोरा फिश का एग्जांपल लेंगे। दोस्तों, रेमोरा फिश में सकर्स यानी कि चूचक अंग पाए जाते हैं, जिसके जरिए वो किसी भी शार्क से चिपक जाती है यानी कि अटैच हो जाती है, और फिर जहां जहां शार्क जाती है उसी दिशा में रेमोरा फिश भी पहुंच जाती है। इससे रेमोरा फिश को ट्रांसपोर्टेशन में मदद मिलती है, यानी वो शार्क के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक बगैर किसी मेहनत के चली जाती है, उसे अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है। साथ ही साथ जब शार्क अपना भोजन करती है तो रेमोरा फिश उन भोजन के बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को खाकर अपना पेट भरती है। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि रेमोरा फिश जो कि पैरासाइट है उसे फायदा होता है और होस्ट यानी कि शार्क को न तो फायदा हुआ और न ही नुकसान। दोस्तों, अब बात करते हैं हम पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म इन दिस एसोसिएशन ओनली पैरासाइट आर बेनिफिटेड एंड होस्ट गोट डैमेज बाय पैरासाइट, जैसे कि ह्यूमन एंड मॉस्किटो। दोस्तों, पैरासिटिज्म पैरासाइट और होस्ट के बीच में ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें पैरासाइट को लाभ होता है और होस्ट को हानि होती है। इसको समझने के लिए हम मानव और मॉस्किटो यानी कि मच्छर का उदाहरण लेंगे, जिसमें मच्छर अपने भोजन के लिए मानव का खून पीता है जिससे उसको फायदा होता है, और बदले में मच्छर के काटने से व्यक्ति को ब्लड लॉस, खुजली, जलन और कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त शुभम आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक।